अच्छा जी, पढ़ते हैं डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मनी। ठीक है, व्हाट इज मनी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अर्ली डेफिनेशन, मनी इज अ कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज कमोडिटी, मनी इज अ कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एट द सेम टाइम इट एक्ट as a measure and store of value. This is the definition. ठीक है, this is the reason that Professor Sigwick says money is what money does. मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि डिफिनेशन क्या है। यार मनी की डिफिनेशन वही है जो ये काम करती है ना, जो इसके फंक्शन हैं, तो इसके फंक्शन ही डिफिनेशन है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती है, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू काम करती है, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसके डिफिनेशन है। दस द इकोनॉमिस्ट एग्री that anything which is anything, याद रखो, anything which is to serve as a money should be, जो चीज भी हो, ठीक है, तो generally acceptability उसमें चाहिए, generally acceptable हो, ठीक है, could be used to measure the values of the good and services, और third इसमें होगा which, ठीक है, could be used to store the values, ठीक है, तो जो ये तीन फंक्शंस हैं इसके, तो ये डिफिनेशन भी है। ठीक है, तो अब इसमें तीन व्यूज हैं। ठीक है, फर्स्ट जो व्यू है दैट इज द जो जनरल एक्सेप्टेबल है। तो जनरल एक्सेप्टेबल क्या होती है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो इस डिफिनेशन में तीन पार्ट्स हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन अप्रोच विच अकॉर्ड मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट जो है वो ट्रांजेक्शन अप्रोच है, यानी वाई पीपल एक्सेप्ट मनी, क्योंकि ट्रांजेक्शन के लिए होता है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है कुड बी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड। अच्छा, सेकेंड कुड बी यूज्ड, ये थर्ड, ये कुड बी यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज, तो लिक्विडिटी अप्रोच है। ठीक है, लिक्विडिटी अप्रोच है। और थर्ड जो है वो मेजर ऑफ वैल्यू, इसको हम साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट की तरफ जाएंगे, वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, ये तीनों अप्रोचेस। ठीक है, तो फर्स्ट है द ट्रांजैक्शन अप्रोच, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो जाहिर बात है, चूंकि जो कमोडिटीज मनी वो है जो हम क्या करें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वही यूज करेंगे जो जनरल एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसमें यूजुअली जो है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में यूजुअली आप क्या किसकी तरफ जाते हो। ठीक है, यहाँ देखिए अंदर मनी होती है, और एक मिनट, मनी होती है। ठीक है, तो मनी में ज़ार बात है, जनरल एक्सेप्टेबल में करेंसी हो गई, करेंसी में इसके बाद नोट्स हो गए, जो भी होगा, और डिमांड डिपॉजिट्स हैं। तो इसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में दो ही चीज़ें आती हैं, ज़ार बात है करेंसी हो गई, करेंसी में फिर ये ज़ार बात है नोट्स हैं और फिर कॉइन्स हैं। ठीक है, तो ये जनरल एक्सेप्टेबल है। और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, चेक्स होती हैं, चेक्स को हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। चेक्स नहीं होते, तो वो चेक्स जो हैं ये क्या हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में अप्रोच में ये है कि यूजुअली लोग क्या यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये ट्रांजेक्शन के लिए यही यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो करेंसी यूज करते हैं, नोट्स यूज करते हैं, कॉइन्स यूज करते हैं, और डिमांड डिपॉजिट्स यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर जो है लिक्विडिटी अप्रोच है। लिक्विडिटी अप्रोच क्या है, लिक्विडिटी सिर्फ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं होती, बल्कि किसके लिए यूज होती है, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी यूज होती है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या चीज है, स्टोर ऑफ वैल्यू, देखिए द लिक्विडिटी अप्रोच, द मनी इज नॉट जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, इट इज आल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू। As Professor Gorlice and Shaw says, money as a store of value is an important property of money. This money should not include only currency, sirf currency shamil nahi hai, demand deposit. The assets should also be added in money. The assets
should also be added at money. ये देखिए अंदर store of value में क्या जाते हैं assets, assets वो assets जो आप money से खरीद लें ठीक है और वो easily convertible हो again money में, किसमें अगेन किस में कन्वर्टेबल हो, मनी में कन्वर्टेबल हो इजी विदाउट विदाउट लास्ट. अच्छा विदाउट लास्ट वो एसेट्स जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं वो मनी जो हम कन्वर्ट कर लेते हैं एसेट्स में ठीक है विदाउट लास्ट उसको आप दोबारा कन्वर्ट कर सके तो ये क्या होती है स्टोर ऑफ वेरियस को हम कहते हैं. ठीक है मनी इज लाइक एन एसेट ठीक है और मनी इज लाइक रिजर्व परचेजिंग पावर ठीक है विच पीपल कीप विद देम ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग दस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ मनी ऑल दोज गुड्स विच हैव द क्वालिटी ऑफ रिजर्व परचेजिंग पावर ठीक है बी ऑल्सो इंक्लूडेड एंड मनी. ठीक है क्या मतलब वो पैसा मनी इज लाइक रिजर्व परचेजिंग पावर. आपके पास जो इजाफी पैसा पड़ा होता है ना उसको हम रिजर्व कहते हैं रिजर्व परचेजिंग पावर विच पीपल कीप विद देम ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग. लार बाद स्पेंडिंग और एंड में अर्निंग और स्पेंडिंग में जो आपके पास सेविंग्स होती है ना सेविंग्स तो सेविंग्स भी आपकी क्या है स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है एसेट्स भी काम करते हैं. ठीक है दस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ मनी ऑल दोज गुड विच हैव द क्वालिटी ऑफ रिजर्व परचेजिंग पावर तमाम वो अशिया जो आपके पास पड़ी हैं आपको आप उसको बेच सकें और विदाउट लॉस्ट वो आपका ठीक है तो वो विदाउट लॉस्ट आप उसको बेच सकें लॉस उसमें कोई ना हो तो ये आपके एसेट्स होंगे क्या होंगे और इसको हम क्या कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू होती है. ठीक है In the light of the this theory, we will add all those goods and money which are liquid. Liquid का मतलब होता है जो आप easily convert कर सकें in money. ठीक है the liquidity represent how soon an asset with ये low cost नहीं है without loss है अच्छा without loss ये without low cost नहीं है ये without loss है can be without loss can be used to purchase goods and services. ठीक है सो आप इसमें जो विदाउट लॉस्ट जो कन्वर्ट कर सके मनी में उसको हम क्या कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू या एसेट्स हो जाता है. ठीक है और याद रखे इन दिस वे नॉट ओनली करेंसी बट ऑल अदर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट लाइक शेयर्स बॉन्ड हाउसेस व्हीकल एंड शॉप विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन मनी. तमाम चीजें ये मनी में आ जाती है क्योंकि आप इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में बिकॉज ऑल दिस एसेट हैव द क्वालिटी ऑफ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है हाउ आर द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी वेरीज फ्रॉम एसेट टू एसेट. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप उसको पैसों में कन्वर्ट कर सके तो ये वेरी करती है लिक्विडिटी कमोडिटी मतलब कोई कमोडिटी बहुत जल्द बिक जाती है मतलब आप बॉन्ड्स हैं बॉन्ड्स आप बहुत जल्द बेच सकते हैं लेकिन अगर आपने गाड़ी बेचनी हो तो उसमें टाइम लगेगा अगर आपने घर बेचना हो तो उसमें टाइम लगेगा. ठीक है अच्छा द मोस्ट लिक्विड कौन सा इट इज द मनी विच इज द मोस्ट लिक्विड एसेट. अच्छा याद रखो सबसे लिक्विड एसेट क्या है मनी है. ठीक है क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में होता है एज वन रुपी नॉट रिमेन वन रुपी नॉट कैन बी स्पेंड वेन एवर वन लाइक्स. ऑन द अदर हैंड हाउस इज ऑल्सो एन एसेट बट इट इज नॉट एन एज लिक्विड एज रुपी जिस तरह मैंने आपको बताया. ठीक है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा. अच्छा तो दस अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी अप्रोच मनी इज नॉट जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज समथिंग मोर देन दैट. नॉर्मली ऑल दोज गुड्स विच आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो पोजेस द क्वालिटी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है सो इज द करेंसी नोट एंड डिमांड डिपॉजिट आर नॉट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट दे ऑल्सो रिजर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. हाउएवर देयर आर सर्टन गुड्स विच हैव द क्वालिटी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू बट दे कैन नॉट बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द केस ऑफ सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट. याद रखो कि मनी जो है ना मनी मनी कन्वर्टेबल है यानी आप एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है और एसेट्स मनी में भी कन्वर्ट होते हैं एसेट मनी में कन्वर्ट होते हैं लेकिन तो एसेट्स मनी में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है. ठीक है ना टाइम लगता है डिफिकल्टी आती है उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है. ठीक है तो आपकी करेंसी हो गई डिमांड डिपॉजिट्स हो गए ट्रैवलर चेक हो गए ये क्या है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गए. आपके पास जितने भी आपके पास टाइम डिपॉजिट्स हैं या आपके पास जितने भी एसेट्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं उसको. ठीक है तो दिस इज ठीक है ये आप लोग क्यों कही लिक्विडिटी अप्रोच मनी एज ए साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट.
यहाँ पर फ्रेडमैन कहता है, फ्रेडमैन कहता है कि ठीक है, मनी का काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, मनी का काम स्टोर ऑफ वैल्यू का भी है, लेकिन वो कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है वो मनी का है, मेजरिंग वैल्यू, मेजरिंग वैल्यू। मेजरिंग वैल्यू क्या चीज है? मेजरिंग वैल्यू यह है कि जिस तरह आप लेंथ के लिए, लेंथ नाप करने के लिए मीटर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जिस तरह किसी चीज का वजन नापने के लिए, मास नापने के लिए आप केजी इस्तेमाल करते हो, किलोग्राम इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सो इसी तरह मुख्तलिफ इकाइयां हैं, इसी तरह वैल्यू को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मनी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? मनी को। और वो कहता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। तो इसको कहते हैं दिस अप्रोच, इसको वो कहते हैं साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट का नाम देते हैं उसको, ठीक है। मनी इज एनी थिंग विच कैन बी एम्प्लाइड टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखिए, मनी इज एनी थिंग विच कैन बी एम्प्लाइड टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कहते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो है उसमें, यहाँ पर मुख्तलिफ डिफिनेशन है, M1 डिफिनेशन है, M2 डिफिनेशन है, M3 डिफिनेशन है। तो M1 डिफिनेशन जो है, M1 डिफिनेशन में ये आता है, आप M1 डिफिनेशन जो है उसमें कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स होते हैं, करेंसी होती है, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। M1 डिफिनेशन में क्या आता है, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपके पास जितने भी कॉइन्स है, करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो आपके बैंक के तमाम चेक्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। तो इसको हम M1 डिफिनेशन कहते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ अभी, ठीक है। अच्छा, यह नौ मोह है, इसको छोड़ें, ये पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। M2 डिफिनेशन जो है लिक्विडिटी, तो M2 में क्या आ जाता है? वही M1, ठीक है, प्लस सेविंग बैंक अकाउंट्स, ठीक है ना। M1 यानी आपके पास करेंसी हो गई, ठीक है, आपके पास डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, फिर सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट्स पे, यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स में और सेविंग अकाउंट में फ़र्क क्या है? सेविंग डिमांड डिपॉजिट्स करंट्स होते हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, और सेविंग अकाउंट पे लो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, लो इंटरेस्ट रेट। तो इसको आपने, अगर आपने बैंक से पैसे निकालने, तो बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो तब जाकर आपको बैंक पेमेंट करेगा, वरना आपको बैंक एकदम पेमेंट इस सेविंग अकाउंट से आपको रुकवा सकता है, ठीक है। आपकी बैंक आपको कहेगा कि जी मेरे लिए 2-3 या 1 दिन का सबर कर लें, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट में यह है कि आपको वो उसी टाइम पेमेंट करेगा। तो M2 में जो है ना, M2 में M1 आ जाता है, ठीक है, M1, और यहाँ पर सेविंग अकाउंट्स होते हैं, क्या होते हैं? सेविंग अकाउंट्स, जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, ठीक है, जितने भी उसमें पैसे पड़े हुए हैं, ओके, सेविंग अकाउंट्स हो गए, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड टाइम डिपॉजिट्स हो गए, वही भी वो भी आपके क्या हो गए? सेविंग हो गए। शॉर्ट पीरियड टाइम, यानी टाइम डिपॉजिट ये होते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए पैसे रखे हैं, 2 महीने के लिए, साल के लिए, इसके लिए शॉर्ट शॉर्ट पीरियड है। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी भी टी बिल्स इसको कहते हैं, ठीक है, टी बिल्स होते हैं, टी बिल्स वो होते हैं जिसपे जिसको हम क्या कर लेते हैं, खरीदारी करते हैं ना, खरीदारी, ठीक है। ट्रेजरी बिल वो होते हैं जो हुकूमत किसी से कर्ज लेती है ना, हुकूमत कर्ज लेती है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज लेती है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, उसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट हो गई, जिसमें ये मनी मार्केट वो होती है जिसमें हम कर्ज लेन देन करते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं? M2 में आती हैं। M3 डिफिनेशन में M2 हो गया, फिर लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, और म्यूचुअल फंड बैलेंस होते हैं, ये आपके जो बड़े कारखाने होते हैं उनके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो M2, M3 ये जो होते हैं, M2 प्लस लॉन्ग टर्म, ठीक है। अच्छा, डिफिनेशन इन पाकिस्तान जो है ये थे, देख लें फिर, ठीक है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।